नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर है। साल के 10वें महीने का ये 25वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति और चर्चा करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने करीब करीब पूरे यूरोप में अलख जगाया था। आज ही के दिन 25 अक्टूबर साल 1924 को भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। नंबर 2, डिस्कवरी अंतरिक्ष यान अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के बेड़े में 3 वर्तमान में परिचालित ऑर्बिटर्स में से एक है। 2 अन्य अंतरिक्ष यान हैं अटलांटिस और एंडियावर। जब डिस्कवरी ने पहली बार उड़ान भरी थी तब ये 3रा ऑर्बिटर्स था और अब ये सेवा में सबसे पुराना ऑर्बिटर है। डिस्कवरी मिशन दोनों अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम कर चुका है। अंतरिक्षयान डिस्कवरी 13 दिन के अभियान के बाद आज ही के दिन 25 अक्टूबर साल 2000 में सकुशल वापस लौटा था। मृदुला गर्ग हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। आज ही के दिन 25 अक्टूबर साल 1938 को प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक और निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली। उनके उपन्यास और कहानी को अनेक हिंदी भाषाओं और जर्मन, चेक, जापानी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। ये स्तंभकार रही हैं, पर्यावरण के प्रति सजगता प्रकट करती रही हैं। टेलीविजन के सबसे मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी को आम आदमी की आवाज माना जाता था। उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी और किंग ऑफ सटायर के नाम से भी जाना जाता है। जसपाल भट्टी हंसते हंसाते राजनीति, व्यवस्था और समाज पर कटाक्ष करते थे और उनकी यही अदा दर्शकों को खूब पसंद आती थी। आज ही के दिन 25 अक्टूबर को सड़क हादसे में जसपाल भट्टी का निधन हो गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।